सो नीट के रिजल्ट के लगभग 2-3 महीने वेट करने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं रशिया। जी हाँ, हमारा एडमिशन हो चुका है और फ्लाइट की टिकट भी बुक हो चुकी है, सारी पैकिंग भी हो चुकी है। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल सिंह राठौर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो हमारी जर्नी शुरू होती है बरेली रेलवे स्टेशन से। अनफॉर्चुनेटली मैं घर से स्टेशन तक का फुटेज नहीं ले पाया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। और बरेली इज फेमस सिटी, फेमस फॉर सुरमा मैन्युफैक्चरिंग, मांझा पतंग वर्क, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बरेली की बर्फी, एंड बरेली इज ऑल्सो कॉल्ड अ झुमका सिटी। It's time to say final goodbye to my place. और हाँ, आपको कुछ चीज़ें काफ़ी याद आने वाली हैं, रेलवे स्टेशन का ये अनाउंसमेंट, यहाँ के लोग, एंड ये Believe me guys, you'll miss these things a lot, literally a lot. So, इस बार ट्रेन का सफ़र कुछ अलग सा लग रहा था। पता नहीं अब कितने समय बाद ट्रेन में सफ़र करने को मिलेगा। सब कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, छोटे से छोटी चीज़ भी ऑटोमेटिकली नोटिस होने लगी थी। सो मैं, मेरे फादर एंड मेरे ताऊ जी, जो कि मेरे फादर के बचपन के फ्रेंड हैं, हम तीनों जा रहे हैं दिल्ली विया बरेली। ताऊ जी एयरपोर्ट में ही जॉब करते हैं, सो लकीली वो घर पे ही आए हुए थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं रशिया जा रहा हूँ, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं साथ चलूँगा आपको छोड़ने के लिए, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप और एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ताऊ जी भी एयरपोर्ट तक हमारे साथ ही आए। थैंक यू ताऊ जी, यू हेल्प अस अ लॉट। दिसंबर की ठंड थी, सब लोग इनर्स जैकेट में थे, इवन मैन वर वेयरिंग डबल, बट आई सॉ दिस गाय वेयरिंग अ हाफ टी शर्ट। पूरे रास्ते भाई सिंगल टी शर्ट में ही था, भाई को ठंड ही नहीं लग रही थी। खैर, दिल्ली उतरने से पहले इन्होंने जैकेट पहन ली थी। फाइनली वी रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10 PM, एंड हाँ, यहाँ चोरों से सावधान रहना और अपने लगेज का खास ध्यान रखना, और प्लीज़ इन ऑटो वालों से सावधान रहना। यहाँ मैक्सिमम ऑटो वाले नए लोगों को डेस्टिनेशन तक के 5 से 10 गुना ज़्यादा रेट बताते हैं। और डोंट वरी, रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आपको जेन्युइन रेट में ऑटो या कैब मिल जाएंगे। खैर, यहाँ महिपालपुर में ताऊ जी के फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, वो हमें लेने आए थे। महिपाल पर पहुँच के हमने उनके ही होटल में स्टे किया था। हमें 1 PM पे एयरपोर्ट के लिए निकलना था, सो हमने एक छोटा सा नैप लिया और हम एयरपोर्ट निकलने के लिए रेडी हो गए। डायरेक्ट अब इमिग्रेशन काउंटर का फुटेज है, बिकॉज बीच में इतना शॉर्ट टाइम था कि फुटेज लेने का टाइम ही नहीं मिला। सो ये काउंटर पे जो 2 स्टूडेंट खड़े हैं, यहाँ हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट पता नहीं था कि हम लोग ही रूममेट्स बनने वाले हैं। इवन पूरी जर्नी में हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी, बिकॉज ये किसी दूसरे एजेंट के थ्रू आए थे। सो डायरेक्टली हम लोग रूम में ही मिले थे, वो भी रशिया आने के 2 से 3 दिन के बाद, जब इन लोगों को सेम रूम अलॉट हुआ था। और अब हमारी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल की है। हमारी फ़्लाइट दिल्ली टू दुबई है, फिर दुबई में 22 घंटे का लेओवर है, एंड फिर नेक्स्ट फ़्लाइट दुबई से नोवोसिबिर्स्क ले है। फ़्लाइट में मेरा पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि लकीली मुझे दिल्ली टू दुबई एंड दुबई टू नोवोसिबिर्स्क दोनों फ़्लाइट में विंडो सीट्स मिली थी, एंड विंडो सीट से जो नज़ारा होता है वो तो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। आई थिंक यू कैन सी कम्प्लीट बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई फ्रॉम योर फ्लाइट ओनली। दिस व्यू इज ऑसम एंड द बुर्ज खलीफा इज अमेजिंग।
हमें 22 घंटे दुबई एयरपोर्ट में ही काटने थे, तो वो हमने ड्यूटी फ्री को बार बार घूम घूम के स्पेंड किए। सो फाइनली दुबई से जाने का टाइम आ गया है। ये देखो क्या बढ़िया टेक्सचर है, कुछ ना कुछ बन ही रहा होगा यहाँ पे। खैर ऊपर से नेचर अलग ही सुंदर लगता है। फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन। समय हो रहा है शाम के 7 PM और हम नोवोसिब्र्स्क लैंड कर चुके हैं। नोवोसिब्र्स्क रशिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर है एंड इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फ्लाइट के बाद हमें इमिग्रेशन स्लिप लेना होता है और ये इमिग्रेशन स्लिप जब तक आप रशिया में हैं तब तक आपको संभाल के रखना है, गलती से भी घूमनी नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत सारी मगजमारी होती है। तो सावधान रहे, सतर्क रहें। फिर हमने अपना लगेज कलेक्ट किया, हमारे एजेंट ने टैक्सी बुक करवाई थी, सो हम टैक्सी से हॉस्टल आए। रात काफ़ी हो गई थी, हम थके हुए थे तो हॉस्टल की फ़ोटेज भी नहीं ले पाया, नींद भी बहुत आने लगी थी। कोई ना, हॉस्टल आप बाकी के ब्लॉग्स में देख लेंगे और हॉस्टल की एक पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी।